वैसे तो लकड़ी का कारोबार देश भर में होता है, लेकिन वैशाली जिले के लालगंज इलाके में ऐसा लकड़ी का कारोबार जिससे आपका प्रतिदिन सरोकार होता है और उसका यहाँ पर निर्माण किया जाता है, वो यहाँ पर बनाया जाता है। आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर चकला, बेलना, खड़ाऊ, तराजू में उपयोग होने वाला डंडा और इसके अलावा कई ऐसे लकड़ी के सामान हैं जो यहाँ पर बनाए जाते हैं और उसका उपयोग लोग प्रतिदिन अपने घरों में करता है। आप क्या बना रहे हैं? हम खड़ावन पहनने वाले बना रहे हैं, ऐसे पहनते हैं ना वही बना रहे हैं। यहाँ क्या क्या बनता है? यहाँ हर चीज़ बनता था, मचिया उचिया सब बनता था, लेकिन अब नहीं बन रहा है। तो ये जो आप बना रहे हैं इससे परिवार चल जाता है? चल ही जा रहा है। कैसा काम धाम कैसा चल रहा है? उतना बढ़िया नहीं चल रहा है। चुनाव भी करीब है, क्या हवा है, क्या दिख रहा है चुनाव में? तो हम लोग के एरिया में तो बीजेपी का है बोलबाला, या बीजेपी का ही चलता है, यहाँ से निश्चित है कि बीजेपी ही जीतेगी। चुनाव भी करीब आ गया है, किनका हवा दिख रहा है, क्या दिख रहा है इस इलाके? कैसे कहें, अभी कैसे कह दे मोदी जीतेंगे कि कौन न जीतेगा, तो काम किया उसको ही को ना वोट दीजिएगा, उसी को ना जिताइएगा, किसको जिताइएगा बोलिए। चुनाव करीब आ गया है, किसका हवा दिख रहा है? हवा तो बीजेपी का है सब जगह सब। किसका हवा दिख रहा है अभी? देखिए, राजनीति के यहाँ दृष्टिकोण से सब कुछ देखिए तो हमको तो नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जो पूर्व से अभी तक हैं उनके अलावे कोई दूसरे टक्कर में भी हैं। चुनाव करीब आ गया है, किसका दिख रहा है पलड़ा भारी? अभी तो किसी को नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अब समय आएगा तो देखा जाएगा। क्या है मन में? नरेंद्र मोदी, दूसरा कौन? राम मंदिर बनवा दिए, जो बरसों से लोग लड़ रहे थे, तपस्या कर रहे थे, इनके रेजिंग में राम मंदिर भी बना, अब क्या चाहिए? वैशाली जिले के किसान कई तरह के फसल उगाते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य तौर पर केले की खेती होती है, जिसे कैश क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। और हम अभी मौजूद हैं हाजीपुर के जरुआ इलाके में, जहां पर तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहां पर चारों तरफ आपको केले की खेती दिखाई देगी। जहां भी आप जाइएगा आपको किसान केले की खेती करते हुए नजर आ जाएंगे। ये बताइए कि कितने तरह का केला आप लोग उपजाते हैं? 5 तरह का। कौन कौन सा केला? वर्षाइन है, अल्पान है, मालभोग है, मुठिया है, चिनिया है, यही है, बतीसा है, सब्जी के लिए 5-6। तो अभी किस तरह का खेती चल रहा है? सब तरह का है, कम अल्पान लोग ज़्यादा खेती करता है। हाजीपुर के केले का तो बहुत नाम है। हाँ, ये है, पूरे देश में नाम है हाजीपुर के केला और लंगड़ा माने मालदाम, यही इसी का प्रचलित है नाम से। अगर आ गए केला नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। तो आप लोग किसान हैं, खेती करते हैं हमेशा, हवा किसका चल रहा है? चुनाव करीब है, अरे मोदी लहर है अभी, और क्या, मोदी लहर है, सब कुछ मोदी मोदी कर रहा है, और क्या, इनसे पूछिए असली मोदी के। हम तो हती नहीं, इनसे पूछिए असली मोदी के प्रचारक है ना। मुद्दे क्या है जिसको लेकर वोट देंगे? मुद्दे है कि भारत के विकास देख करके मुद्दा बना लिए हम लोग। खेती कैसा चल रहा है? खेती बहुत अच्छा है। यही और राजनीतिक खेती भी अच्छा है। तो क्या सोचकर मोदी के लिए मन बनाए हैं? मोदी हम लोगों को बहुत कुछ देती है। क्या मन में क्या राय है? मन में तो ये राय है, यही विचार है। तो इसको वोट देना कौन कौन मन में के? ये सोचते हैं, ये कहते हैं कि उनको अनाज मिल रहा है, खेतिहर किसान को सहायता मिल रही है, और ऐसे में अगर किसानों को सहायता मिली तो जाहिर सी बात है मोदी लोगों के मनों में, दिलों में बैठे हुए हैं, और आने वाले दिन उन्हीं के लिए, उन्हीं के बारे में लोग सोच भी रहे हैं। मौसम में गर्मी है और चुनावी सरगर्मी है,
और ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए लालगंज चौराहे पर आपको हर जगह देहाती तरबूजा जो गांव से खेत से तोड़ कर आया हुआ है वो मिल जाएगा हर जगह, क्योंकि तरबूजा को खाने के बाद गर्मी से राहत मिल जाएगा। राहत मिलेगा ना? हाँ। कैसा तरबूजा है? मीठा है। इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? लालटेन जलेगा, मन में सोच लिए हैं। हाँ। क्या है इस बार? लालटेन खराब गंगाबाद। क्या बोल रहे हैं आप? किरातन तेल तो बंद हो गया तो लालटेन बढ़ेगा कैसे, इसलिए कमल चाहिए। कमल ही चाहिए और का? कमल चाहिए, लालटेन में तो तेले नहीं है तो अंधेरा हो जाएगा। वोट देने जाते हो गए ना? नहीं जाते, जो चाचा लोग चाहेंगे वही होगा। वोट देने जाते ही नहीं हो? नहीं जाते हैं। इस बार जाओगे ना? इस बार मेरा वोटर आईडी कार्ड आएगा तो जाएंगे। चाची वोट देने जाइएगा ना इस बार? क्या है मन में? केकर वोट से मतलब ये किसको वोट? मोदी के कि आयू के? मिलते तो मोदी के मिलता ही, मोदी के मिलता ही। वोट देने जाओगे ना इस बार? सही है, हम कहाँ जाएंगे वोट? वोटर लिस्ट ना हटिए ना, जाने दीजिए ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? कौन सा नेता? सर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का सरकार, बदलाव का मूड है, बदलाव होगा। बहुत गर्मी है? गर्मी तो काफ़ी है, क्या करेंगे, चुनावी सरगर्मी भी है। गर्मी का सीजन चल रहा है तो गर्मी तो रहेगा ही। चुनाव भी है? हाँ चुनाव भी है। क्या है मन में? क्या रहेगा मन में? बस मन में यही है कि अच्छा सरकार आए, अच्छा काम हो, देश अपना विकास करे, यही सब। और क्या, ट्रैफिक थोड़ा कम हो, ट्रैफिक हवलदार बराबर हो, यही सब। मन में होगा ना कुछ कि कहाँ जाएगा वोट? ये तो हम नहीं बता सकते, अब तो पब्लिक जनता जानते हैं, जनता डिसीजन करते हैं कि कहाँ वोट दिया जाए, उचित सरकार कौन है, यही सब। पटना से जब आप हाजीपुर की ओर बढ़ेंगे तो गांधी सेतु पार करने के बाद सड़क के दोनों तरफ आपको नर्सरी दिखाई देगा, जिसमें हर तरह के पौधे और फूल छोटे छोटे यहां पर दिखाई देंगे। और तकरीबन यहीं से बिहार के सभी जगहों पर फूल और पौधों की सप्लाई होती है। हम एक नर्सरी में मौजूद हैं जहां पर न जाने कितने तरह के यहां पर फूल और गमले और साथ साथ आम, लीची और फल के पौधे मिल जाएंगे। यहाँ पर भारी संख्या में इसका कारोबार होता है और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ आपको नर्सरी ही नर्सरी दिखाई देगा। नर्सरी का कारोबार कैसा चल रहा है अभी? अभी तो गर्मी के मौसम लेके अच्छी नहीं चल रही है। सामने सड़क बन गया आप तो, और आप लोगों का चांदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो गर्मी के मौसम जो चल रही है ना, इसके कारण थोड़ा सा मंदी अभी चल रही है। पानी गिरी के मानसून आएगी तब फिर रौन पकड़ेगा। चुनाव भी सामने है, हवा किसका है? अभी तो हम लोग चिराग जी के वोट देने जा रहे हैं। मन बनाए हुए एकदम? हाँ मन बनाए हुए हैं, अच्छे नेता हैं। चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? क्या है, हवा किनका चल रहा है? इसका तो कोई गारंटी नहीं है सर जी, किसका है कैसा हवा है ये तो कहना नहीं। हवा तो ऐसे मोदी जी का ही लोग लेते हैं। हाजीपुर में किसका हवा चल रहा है? हाजीपुर में तो अभी पता नहीं चल रहा है, सब एज इट इज इक्वल लग रहा है, अभी तो कुछ वैसा बिल्कुल दिख नहीं रहा है।